Assalamu alaikum dear students, how are you? I hope you will be fine and okay. Today this is our first lecture and we will start it in a very nice manner. And I hope that you all attend this lecture. तो आज हमारा बेटा जो एक्टिव पैसिव वॉइस के हवाले से हमारा जो टेंस है वो है पास्ट परफेक्ट टेंस, इसको हम आज डिस्कस करेंगे. और सबसे पहले आप ये देखें कि एक्टिव से पैसिव बनाने का जो बेसिक रूल है वो क्या है, एक्टिव फिगरा कौन सा होता है, पैसिव फिगरा कौन सा होता है, ये चीज़ें सबसे पहले समझ लेते हैं. एक्टिव फिगरा वो है जिसमें सब्जेक्ट जो है वो अपना रोल प्ले कर रहा है और वो फिगरे के शुरू में मौजूद है. वो फिगरा एक्टिव है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है और उसका एक एक्टिव रोल होता है, नंबर वन. नंबर टू, पैसिव फिगरा वो होता है जिसमें ऑब्जेक्ट जो है वो या सब्जेक्ट या वर्ब, इनकी हम बात नहीं करते बल्कि हम ये देखते हैं कि क्या जो सब्जेक्ट है वो एक्टिव रोल प्ले कर रहा है या नहीं कर रहा. तो पैसिव वाइज फिगरे में जो सब्जेक्ट होता है वो पैसिव होता है, यानी कि वो जो इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले नहीं कर रहा होता. तो इस चीज को अगर हम देखें तो एक्टिव वाइज वो फिगरा है जिसमें सब्जेक्ट मौजूद होता है और पैसिव वाइज वो फिगरा है जिसमें सब्जेक्ट या तो मौजूद नहीं होता और अगर मौजूद होता है तो वो अपना एक्टिव रोल प्ले नहीं कर रहा होता. तो आज अगर हम इस चीज को देखें जो आज का हमारा लेसन है पास्ट परफेक्ट टेंस के हवाले से, तो इसमें अगर हम पांच जो रूल हैं उनको हम ध्यान में रखें तो इनको करना बहुत आसान होगा. सबसे पहले आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कीजिए, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब लगाइए, तीसरे नंबर पर आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाइए, चौथे नंबर पर आप बाय लगाएं और पांचवे नंबर पर आपका जो ऑब्जेक्ट है उसको आप सब्जेक्ट में चेंज कर दें. अब यहाँ पर आपको जब रूल की बात हो रही है तो हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा हो, लेकिन जब हम फिगरों की तरफ आएंगे तो आपके लिए ये बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा. अब पहला फिगर देखिए, फॉर एग्जाम्पल, आई हैड रिवॉइज्ड विद द लेसन, आई हैड रिवॉइज्ड विद द लेसन कि मैं लेसन रिवाइज कर चुका था. अब इसमें इसका पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, जैसा कि हमने रूल को देखा कि सबसे पहले हम ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हम ले आएंगे और इसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, द लेसन, ठीक है, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बन गया, पहला रूल हमने क्लियर कर लिया. अब हमने लगानी है हेल्पिंग वर्ब. हेल्पिंग वर्ब जो है इधर चूंकि इसके अंदर हैड हेल्पिंग वर्ब है तो इसलिए जब हम पैसे बनाएंगे तो हम हैड बीन लगाएंगे, द लेसन हैड बीन, हेल्पिंग वर्ब हमने लगा लिया. अब हमने लगानी है वर्ब की थर्ड फॉर्म. अब चूंकि जो पास्ट परफेक्ट टेंस होता है इसमें ऑलरेडी थर्ड फॉर्म लगी होती है तो हमें थर्ड फॉर्म लगाने की मजीद जरूरत नहीं होती क्योंकि पहले से ही थर्ड फॉर्म है, तो ये रिवाइज का रिवाइज आ जाएगा इधर. उसके बाद हम ये जो हमारा सब्जेक्ट है इसको हमने ऑब्जेक्ट बनाना है, लेकिन उससे पहले जो तीसरा चौथा रूल है वो है बाय लगाना, कि आप जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा रहे हैं तो उसके बाद आपने बाय लगाना है, बाय लगा कर फिर आपने पांचवें रूल की तरफ आना है कि आपका ये जो सब्जेक्ट है ये इधर आकर ऑब्जेक्ट बन जाएगा. तो आए माय मी होता है तो इसका जो है वो मी हम यहाँ पर लगा देंगे, तो ये हमारा फिगर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा. ये है सिंपल फिगर. अब हम आते हैं जो नेगेटिव सेंटेंस है उसको हमने कैसे चेंज करना है. देखिए, शी हैड नॉट वॉश्ड द क्लॉथ्स, फिगर है She had not washed the clothes. वो कपड़े नहीं धो चुकी थी. अब इसकी तरीकेकार वही है, सिर्फ हमने जो काम करना है वो ये है कि हमने had और been के दरमियान में not डालना है. अब देखिए, सबसे पहले ऑब्जेक्ट है इसको हम सब्जेक्ट बना लेते हैं, the clothes. Next helping verb had. Next not and been. यानी had been आप लिख लें उसके दरमियान में आप not डाल दें तो ये negative बन जाएगा. The clothes had not been washed, third form, by. अब she जो है यानी subject है हमारा, ये इधर अगर object बनेगा और इसकी जो objective form है वो हम लगाएंगे तो the clothes had not been washed by her. तो इसका she का जो है वो हर हो जाएगा. अब हम इसी टेंस के जो एक्टिव पैसिव उसमें हम इंटरैक्टिव फिगर को देखते हैं कि इंटरैक्टिव फिगर कैसे बनेगा. फिगर है कि हैड दे प्लेड हॉकी, कि क्या वो हॉकी खेल चुके थे. अब इसमें हमें देखिए
क्या वो हॉकी खेल चुके थे, ये ट्रेविटिव फिक्र है, हेल्पिंग वर्क शुरू में आ रहा है, आपने एक्टिव में भी जैसे शुरू में हेल्पिंग वर्क है, आपने पैसिव जो फिक्र है उसमें भी आपने हेल्पिंग वर्क को शुरू में ही लिखना है। तो है ऐसे फिक्र बनेगा कि हैड हॉकी, अब हॉकी जो है वो सब्जेक्ट है तो ये इधर आकर जो ऑब्जेक्ट है ये इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, हैड हॉकी बीन प्लेड बाय देम, दे जो है उसका देम बन जाएगा। हमने क्या किया, हमने सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लगाया, उसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिया, उसके बाद हमने बीन लगाया, ठीक है, यानी कि हैड और बीन के दरमियान में सब्जेक्ट लगेगा। तो हैड हॉकी बीन, उसके बाद थर्ड फॉर्म प्लेड, उसके बाद आपने अपनी तरफ से बाय लगाना है, उसके बाद दे जो है इसको आप इधर जाकर देम बना देना और एंड पर क्वेश्चन मार्क कर देना, ये इंटरव्यू फिक्र है। अब हम देखते हैं कि अगर डबल इंटरैगेटिव फिक्रा हो तो वो किस तरह से चेंज होगा, यानी एक तो हमारे पास है ना एक सिर्फ इंटरैगेटिव है, अगर फिक्रा डबल इंटरैगेटिव हो तो उसको हम कैसे करेंगे। अब मिसाल के तौर पर मैं फिक्रा है कि व्हाई हैड यू बॉइल्ड द मिल्क, आप मिल्क बॉइल क्यों कर चुके थे, तो इसका इस तरह से बनेगा कि आप ये जो WH फैमिली वाले जितने भी अल्फाज होते हैं इनको आप फिक्रे के शुरू में ही लिखोगे और उसके फौरन बाद आप हेल्पिंग वर्ब डालोगे, क्योंकि रूल ये है कि जब आप WH फैमिली वाले वर्ड लिखते हो तो उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का आना बहुत जरूरी है, तो आप फौरन हेल्पिंग वर्ब लगा दोगे तो वाय का वाय आ जाएगा, हैड का हैड आ जाएगा, उसके बाद फिक्रा उसी तरह से बनेगा जैसे ऊपर हमने बनाया है कि दी मिल्क जो है ये इधर आकर सब्जेक्ट बन जाएगा, उसके बाद लगेगा बीन, बीन के बाद थर्ड फॉर्म लगाएंगे बॉयल्ड, उसके बाद बाय और उसके बाद यू जो है इसका यू यू और यू होता है तो इसलिए हमने यू ही डालना है, उसके बाद हम इंटरैगेटिव मार्क डाल देंगे। तो फिक्रा क्या बनेगा कि बॉय हैड द मिल्क बीन बॉयल्ड बाय यू, दूध आपसे क्यों उबाला, यानी बॉयल्ड किया जाता है या किया जा चुका था। तो अब इसमें अभी देखिए कि हमने वाई डाला, उसके बाद हमने हैड डाला और हैड के बाद फिर हमने अभी फिक्रे को इसको बनाया। एक और इम्पोर्टेंट बात इसमें आपको ये बताता चलूं कि जैसा कि मैंने शुरू में अर्ज किया था कि अगर आप फिक्रा बना रहे हो और आपको ये पांच चीजों का पता नहीं है तो बड़ा मुश्किल हो जाता है फिक्रे को एक्टिव से पैसिव बनाना। आपको ये पांच चीजें सीखना बड़ी जरूरी है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगाओ, उसके बाद थर्ड फॉर्म आप वर्ब लगाओ, उसके बाद बाय लगाओ और बाय लगाने के बाद आप जो ऑब्जेक्ट है फिक्रे का उसको आप सब्जेक्ट बना दो। अगर आप इन पांच रूल्स पर अमल करें तो आप बहुत आसानी के साथ किसी भी टेंस के फिक्रे को आप एक्टिव से पैसिव बना सकते हो। लेकिन इसमें ये जो चार फिक्रे मैंने लिखे हैं ये फिक्रा सिंपल है। अब सिंपल फिक्रे में आप देखिए कि हमने हैड बीन डाला, ठीक है, नेगेटिव फिक्रे में हमने हैड और बीन के दरमियान में नॉट डाला, तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आपने नॉट कहाँ पर डालना है, हैड बीन के आप बाद में आप नॉट नहीं डाल सकते, आपको हैड और बीन के दरमियान में नॉट डालना है। उसके बाद इंटरोगेटिव फिक्र है, जैसे इंटरोगेटिव फिक्र के शुरू में हेल्पिंग वर्ब आता है तो आपने पैसिव फिक्र के शुरू में ही हेल्पिंग वर्ब को डालना है, उसके बाद आप लिखोगे हैड और उसके बाद बीन दरमियान में आप जो सब्जेक्ट है वो डालोगे, यानी कि हैड हॉकी बीन प्लेड बाय देम। अगर डबल इंटरोगेटिव हो तो उसमें ये होता है कि जैसे WH फैमिली वाला वर्ड शुरू में होता है एक्टिव फिक्रे में, तो पैसिव फिक्रे में भी WH वाला जो वर्ड है वो शुरू में आएगा, और उसके बाद जो रूल है और जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात अब ये है कि आप WH फैमिली के फौरन बाद आप जो हेल्पिंग वर्ब है वो डालोगे। सो दीज वर द बेसिक पॉइंट्स ऑफ एक्टिव पैसिव ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, एंड आई होप कि मैं जो बातें आपसे कर चुका हूँ, जो चीज़ें आपको समझा चुका हूँ, आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू वेरी मच।